स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई जोन पर। आज हम बात करेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। सो व्हाट डू यू थिंक आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेसन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में बात करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस की, आप डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 से अगर हम शुरुआत करते हैं तो वी स्टार्टेड विद द स्टडिंग सेल, जो कि फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। उसके बाद आपने पढ़ा था टिश्यू, जहाँ पे यू स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स गेटिंग ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, एंड यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपने कई तरीके की लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी करी, कई तरीके के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। सो यू लर्न अबाउट दोज प्रोसेसेस व्हिच कीप हैपनिंग इनसाइड अवर बॉडी। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनसाइड अवर बॉडी। एंड यू माइट बी वंडरिंग व्हिच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अबाउट। चलिए कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑल ऑफ अस सी अ स्मॉल चाइल्ड ग्रोइंग अप। फर्स्ट द चाइल्ड इज अ स्मॉल, देन द स्मॉल चाइल्ड ग्रेजुअली ग्रोज अप टू अ यंग मैन, एंड अगेन अ यंग मैन ग्रोज अप एंड बिकम ओल्डर एंड टर्न इनटू अ ओल्ड मैन, राइट? सो व्हाट इज दिस ग्रोथ ऑल अबाउट? मेरा मतलब है, व्हाट इज देयर इनसाइड अवर बॉडी जो हमें बताता है दैट वी नीड टू ग्रो। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, सो टाइनी फिंगर्स। एज दे ग्रो अप विद द ईयर्स, देयर फिंगर स्टार्टेड ग्रोइंग, देयर हाइट ग्रोज अप, राइट? सो दोज चेंजेस विच टेक प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? हु आस्क एन ऑर्गेनिज्म दैट ओके इट्स टाइम टू ग्रो? व्हाट इज द फैक्टर? What is that thing which is happening inside each living organism which is making them grow? So growth is something which we experience each and every day. So here in this lesson we see how these things happen always. आपने देखा होगा कि जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बहुत ही जल्दी वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। तो ऐसी क्या चीज होती है which actually tells us that it's a time to jump, हाथ पीछे करना है? So who is giving those instructions? So inside our body there has to be something which actually decide what we have to do. So something is going on inside our body. So what is this something? तो यही हमें इस लेसन में बात करनी है, यही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। सेकंड एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द अनदर एग्जांपल, अ गाय इज स्टैंडिंग एंड सडनली ही सी अ टाइगर, व्हाट ही डू? डेफिनेटली ही रन अवे। अब किसने उससे कहा कि ये टाइम है, भाग जाओ? अनदर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट्स कंटीन्यूअसली, इफ इट स्टॉप बीटिंग वी ऑल नो दैट व्हाट गोज टू हैपन, राइट? हु एक्चुअली मेकिंग अ हार्ट टू बीट ऑल द टाइम? अगेन अनदर एग्जांपल, अगर आपके पास आप अपने हाथ या पैर कुछ लेके जाए तो क्या करेंगे? इवेंचुअली यू पुटिंग बैक योर हैंड। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको हाथ पीछे करने के इंस्ट्रक्शंस देती है? अगर हम कुछ खा रहे हैं, अचानक गले में कुछ अटक जाए, यू सडनली स्टार्टिंग कॉफिंग, सो व्हाट इज देयर इनसाइड? सो सी इन ऑल द सिनेरियो व्हेन समथिंग हैपन इन सर्टेन सिचुएशंस वी रिस्पोंड इट इन अ डिफरेंट वे। So how does respond comes inside our body? So this is the question. What happened inside our body and who is actually deciding inside our body that what need to be done? So basically is chapter mein we are going to talk about that actually coordinate everything inside our body. So by now we know that not only human beings, I'm talking about all animals. We all know that all multicellular organisms which we have all are made up of by several cells and not each of them perform the same function. Each and every cell has a specific functions, like certain cell help in digestive system, some of the cell helps in respiratory system, उसी तरीके से कुछ excretory cells होते हैं जो excretory system में help करते हैं. So each cell of our body have a specific function. Now control and coordination says that the function which each of the cell performing, all those functions should coordinated. They should be in synchronized with each other. So the entire body can perform the function correctly. Okay? जैसे अगर हम एक example की बात करते हैं, सभी के school colleges में cultural events होते हैं. So there you would have seen some dance forms on the stage. People dancing in the group dance where all the individuals, all the people dance together in a same way,
राइट क्या होगा कि व्हेन somebody डांस somebody सिट somebody जंप क्या चीज लगेगा वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है राइट वो अच्छा तब लगेगा when they are dance performance in a coordinated way that means each of them doing things in such a way that they are synchronized together so when they do it that way only then you like it generally they wear same type of dresses to maintain consistency right so similarly our body will also function properly when each and every part like organ of the body will do their own job as well as they will do not their own work being synchronized with each other so what is control and coordination the working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce proper reaction to a stimulus is called coordination yahan pe stimulus kya hai the change in the environment is known as stimulus jisko hum respond karte hain okay so in higher organism the proper control and coordination evolve two systems the very first one is the nervous system and second one is the endocrine system plants do not have nervous system hence they possess only chemical control and coordination example ki agar hum baat karte hain so I'm sure many of you would have played football so when a boy kicked a football if he closes his eyes he is not able to kick the ball properly now his eyes are actually seeing the position of ball that where is the ball right but his muscles of the leg actually helping him to kicking the ball that means information detected by the eyes is reaching in the muscles of the leg right eyes information gather karti hain मसल्स लेग की मसल्स ने एक्शन लिया तो यही सब हमने पढ़ना है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती हैं इनसाइड अवर बॉडी तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट हाउ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टेक प्लेस इनसाइड अवर बॉडी आज के लेसन को यही फिनिश करते हैं तो इसी के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई जोन